सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। हम डूब गए जाना आंखों के पानी में, जाने वो कैसे लोग थे जिनको किनारा मिला, बेदर्दी से प्यार का, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, सहारा ना मिला, ऐसे बिछड़ा वो मुझको ना दोबारा मिला, बेदर्दी से प्यार का। फैमिली माशाल्लाह का सिकत बॉय, मेरा नाम है फैसल। तो बेसिकली आज का जो हम लोग का लेसन है एंड आज जो हम लोग सॉन्ग कवर करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सॉन्ग है, जो है बेदर्दी से प्यार का संग बाय जुबिन नौटियाल, जो कि मतलब कल ही रिलीज़ हुआ है एंड उस पर अभी तक के 1 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं एंड लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वो सॉन्ग, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक लेसन बना देता हूँ। एंड आज हम लोग इस सॉन्ग को कवर करने वाले हैं 2 मेथड से, नंबर 1 विदाउट केपो एंड नंबर 2 विद केपो, क्योंकि जो लोग बार कॉर्ड लगा लेते हैं वो तो इस सॉन्ग को प्ले कर लेंगे, बट जो लोग बार कॉर्ड नहीं लगा पाते वो इस सॉन्ग को कैसे प्ले करेंगे। तो मैंने सोचा इसको विद कैपो ही बना देता हूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं जो लोग बार कॉर्ड नहीं लगा पाते वो भी इसे इजी तरीके से कर पाएंगे। एंड कल या परसों में मेरा टैप्स का भी लेसन आने वाला है इसी सॉन्ग के ऊपर, तो मेक श्योर अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं इसके बाद वाली जो भी वीडियोस डालूं आप लोग को सबसे पहले मिल सके। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से छोटी सी, कि अगर आप लोग को मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिला करे तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आप लोग के लाइक शेयर एंड कमेंट से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन, तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें ओरिजिनल कॉर्ड कौन कौन सी यूज़ हुई है विदाउट केपो। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो कॉर्ड यूज़ हुई है वो यूज़ हुई है बार में ए माइनर, जिसको आप जो है ओपन में भी लगा सकते हैं ए माइनर, ये आप लोगों को थोड़ी इजी पड़ेगी। बाकी मैं सबका डायग्राम साथ में देता जाऊँगा, आप लोग उसको देख के प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले है ए माइनर एंड सेकेंड कॉर्ड है जी मेजर, थर्ड कॉर्ड है एफ मेजर एंड फोर्थ कॉर्ड है जी माइनर। ये कहीं कहीं पे बहुत रेयर यूज हुई है, मोस्टली सिर्फ 3 कॉर्ड लगेंगी, ए माइनर, जी मेजर एंड एफ मेजर। एंड अब हम लोग देखेंगे कि मैंने जो उसमें इंट्रो प्ले किया था इस कुछ इस तरीके से, या आपने सुना होगा सॉन्ग में बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्टिंग में प्ले हुआ है। तो इसमें इंट्रो के लिए थोड़ी सी स्ट्रमिंग थोड़ी सी चेंज है एंड जो सॉन्ग में हम लोगों ने स्ट्रमिंग यूज़ करी है वो दूसरी है, उसको मैं इसके बाद बताऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो शॉर्ट स्ट्रमिंग यूज़ हुई है इस चीज़ के लिए, तो इसको प्ले करने के लिए जो स्ट्रमिंग है इसकी वो है डाउन अप डाउन 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 अप डाउन। ओके, टोटल कैसी इसकी स्ट्रमिंग है, डाउन अप डाउन 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 अप डाउन, इसकी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन। तो उसको कैसे प्ले करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसको रखेंगे जी माइनर पे, हम लोग इसको होल्ड करेंगे कॉर्ड को और जी माइनर कॉर्ड को स्लाइड करते हुए लाएंगे ए माइनर की तरफ। ओके, तो हम लोग कुछ ऐसा होगा, ऐसे कुछ इस तरीके से साउंड आएगा। सबसे पहले हम लोग सिर्फ डाउन पहले प्रैक्टिस करेंगे, किसी किसी का नहीं आएगा ऐसा साउंड आएगा, तो आप लोगों को बिल्कुल पहले स्लो प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले हम बिल्कुल स्लो प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ डाउन स्ट्रोक को हम लोग देखेंगे कि स्लाइड का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ही स्लाइड का साउंड आ जाएगा समझ लिए आपका 70% इधर का इंट्रो पार्ट कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले डाउन जी से माइनर से ए माइनर तक, अब हम लोग का पार्ट बचा अप डाउन अप डाउन, पहले हम लोग अब इसको करके देखते हैं, फिर से करते हैं, फिर से
तो इतना हम लोग का पार्ट कंप्लीट हो गया स्ट्रमिंग का, डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, जिसको हम लोगों ने कुछ इस तरीके से किया है। अब हम लोग का जो आगे का इसका पार्ट बचा, डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, तो टोटल हम लोग कैसे करेंगे, टोटल आपने देखा, टोटल आपने देखा थ्री स्टेप यहां पर हो रहे हैं, डाउन अप डाउन देन डाउन डाउन अप डाउन। बिल्कुल स्लो करके दिखाता हूं, डाउन से बिल्कुल साइड करेंगे जी माइनर से ए माइनर तक, अप डाउन देन डाउन डाउन अप डाउन। तो एक बार मैं फाइनल करके दिखाता हूं नॉर्मल स्पीड में, ओके तो हम लोग का इंट्रो पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ओके हम लोग देखेंगे इसमें जो सॉन्ग में स्ट्रमिंग यूज हुई है वो कौन सी स्ट्रमिंग है। तो इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए जो पूरे सॉन्ग में स्ट्रमिंग यूज हुई है वो है डाउन 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 अप चक, डाउन 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 अप चक, कुछ इस तरीके से प्ले हो रही है। ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। तो इसमें जो पूरे सॉन्ग में स्ट्रमिंग यूज हुई है वो यूज हुई है डाउन 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 अप चक, डाउन 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 अप चक। इसकी पहले प्रैक्टिस करेंगे विदाउट कॉर्ड, डाउन 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 अप चक, डाउन 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 अप चक। इसको पहले नॉर्मल स्पीड में प्ले करेंगे, एक बिल्कुल वैसे आपको लग रहा है बिल्कुल सेम वही टेक्सचर आ रहा होगा इसकी रिदम का। तो आप लोग इसको बिल्कुल स्लो से स्टार्टिंग करेंगे एंड धीरे धीरे करके इसकी स्पीड एंड टेम्पो को नॉर्मल करते जाएंगे, तो टोटल कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रमिंग आ जाएगी। ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। इसमें जो ओरिजिनल कॉर्ड्स लगी थी वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं विद स्ट्रमिंग एंड अब हम लोग देखेंगे कि इसको अगर हम लोग कैपो के साथ प्ले करना चाहें, जो लोग बार कॉर्ड इस तरीके से नहीं लगा पाते हैं, तो अगर इसको कैपो के साथ प्ले करना चाहें तो कैसे प्ले कर सकते हैं। तो कैपो के साथ कॉर्ड्स प्ले करने के लिए सबसे पहले हम लोग कैपो को लगाएंगे फिफ्थ फ्रेट पर एंड इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैपो में कौन कौन से कॉर्ड लगाएंगे फिफ्थ फ्रेट लगाने के बाद। तो सबसे पहले मैंने जो पहली कॉर्ड बताई थी विदाउट कैपो, मैं उनको साइड में रखता हूँ एंड उसके साइड में कैपो वाली कॉर्ड को रखता हूँ। तो जैसा कि मैंने विदाउट कैपो जो कॉर्ड बताई थी, सबसे पहले थी ए माइनर एंड जो सेकेंड कॉर्ड थी वो थी जी माइनर, थर्ड थी जी मेजर एंड फोर्थ थी एफ मेजर। ओके तो कैपो लगने के बाद जो आपकी ए माइनर होगी वो बन जाएगी ई माइनर। मैं आपको डायग्राम दे दूंगा साथ में एंड जो आपकी जी माइनर थी वो इसमें बन जाएगी डी माइनर एंड उसमें जो जी मेजर थी वो इसमें बन जाएगी डी मेजर एंड उसमें जो एफ मेजर थी वो इसमें बन जाएगी सी मेजर। तो टोटल इसमें कौन कौन सी कॉर्ड हो गई, ई माइनर, डी माइनर, डी मेजर एंड सी मेजर। तो आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों कॉर्डों को, मैंने आमने सामने मैंने लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। एंड जो मैं आपसे लोग से बता रहा था कि इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप लोग कोई ये सॉन्ग इसमें लो लग रहा है, ये तो मैं ओरिजिनल कॉर्ड बता रहा हूँ कि जो ओरिजिनल कॉर्ड आप लोगों ने विदाउट कैपो बजाई ये विद कैपो ओरिजिनल कॉर्ड है। एंड अगर आप लोग को ये गाना ऊँचा लगे तो आप इस कैपो को एक फ्रेट पीछे कर देंगे एंड सेम यही सब कॉर्ड लगा देंगे, ई माइनर, डी मेजर एंड सी मेजर। ओके एंड अगर आप लोग को लगे कि मतलब इसको थोड़ा सी हाई होना चाहिए, आप लोग के अकॉर्डिंग ये गाना लो हो, तो आप इसको जितना चाहें उतना आगे फ्रेट में बढ़ा सकते हैं, कॉर्डें सारी सेम रहेंगी। एंड जैसा स्ट्रमिंग उसमें लगा था बिल्कुल सेम स्ट्रमिंग इसमें भी यूज़ होगा। मैं थोड़ा सी आपको डेमो दे देता हूँ ताकि आपको लगे, ताकि आपको पता चल सके। ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। देखा आपने बिल्कुल सेम है, कोई भी इसमें मतलब टफ नहीं है, बल्कि कैपो के साथ आप इसको और इजी तरीके से प्ले कर सकते हैं।
आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल पाई हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आप लोग के लाइक एंड कमेंट से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस तरीके की वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। एंड आप लोग मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो या किसी भी सॉन्ग की रिक्वेस्ट हो तो आप लोग मुझे उस पर डीएम कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप लोग की रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।